ओप्पो रेनो 12 प्रो 3 कैमरा सेटअप हमको यहाँ पे देखने मिल जाता है। सबसे फर्स्ट वाला जो कैमरा है वो है हमारा 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, दूसरा है जो है वो है दोस्तों हमारा 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूमिंग लेंस, एंड जो थर्ड वन है वो है हमारा भाई अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। ये वीडियो आप लोग देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब वाला बटन तो आपको अभी भी दिख रहा होगा, भाई दबाओ उसको प्लीज, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक ये वाली फोटोज के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे भाई अनवांटेड एक गर्ल आ चुकी है मेरे फोटोज के अंदर। अब यहाँ पे मुझे उसको रिमूव करना है, मैं यहाँ पे एडिट के गया, ओके एआई इरेजर, ओके जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया रिमूव पीपल, मैंने यहाँ पे लगा दिया, ओके इसने उसको डिटेक्ट भी कर लिया, रिमूव ऑल। अब देखते हैं दोस्तों इसका कमाल जो ओप्पो का एआई, ओ भाई साहब, अरे बाप रे दोस्तों क्या फोटो बनाया है इसने। इवन ये जो नीचे की टाइल्स है, ओके एक बार इसको मैं सेव कर लेता हूँ, रिप्लेस फाइल कर देता हूँ, ओके यहाँ पे जो टाइल्स की मतलब लाइन, वो लाइन टू लाइन इसने मैच किया, और वो पर्सन जो था यहाँ पे उसने डेफिनेटली यहाँ से उसको रिमूव कर दिया। भाई मतलब गैलेक्सी एआई में काफ़ी टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ, लेकिन इतना परफेक्टली तो उसके अंदर भी मुझे वो चीज़ देखने को नहीं मिले। ओप्पो रेनो 12 प्रो ने करके दिखाया, ठीक है यहाँ पे पीपल इरेज वाला जो ऑप्शन है भाई काफ़ी कमाल का लगा। इसके बैकग्राउंड के अंदर देख सकते हो काफ़ी सारे लोग हैं, ओहो अचानक से गायब, मतलब कि गायब करने के बाद की भी जो डेफिनेशन है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे क्लियर लगे। आउटडोर कंडीशन के अंदर भी काफ़ी अच्छे से एक लाइट हमें कंडीशन देखने मिल जाते हैं, चाहे वो रेगुलर सैंपल है या तो फिर जूम करके फोटो को क्लिक किया है। कैमरा इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे सबसे हमें यहाँ पे प्रो देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर हम ISO है, शटर स्पीड, EV, फोकस, सारी चीज़ें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वीडियो के रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080x720, ओके 1080x3060 दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 4K 30 FPS तक का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे यस अगर हम यहाँ पे इसको ऑन करते हैं, ओके वेरी गुड, इसके अंदर हम सीधा 1080x60 FPS के ऊपर जिसने अपने आप ही इसको ट्रांसफर किया, मतलब अल्ट्रा स्टडी का जो मोड है वो हमें यहाँ पे 4K 30 FPS के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, मतलब रेगुलर वाला जो OIS है वो ही यहाँ पे वर्क करेगा, ओके। एंड फोटोज की अगर बात करें तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें, 0.6 इसका अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 1x जो इसका प्राइमरी लेंस है, ओके 2x यहाँ पे करते हैं हम यहाँ पे, एंड यस मैक्सिमम जूम यहाँ पे हम ऑप्टिकल जूमिंग की बात करते हो 5x तक काम कर सकते हैं, ओके चलो एक बार होको की ऐड कर देते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम जूम करके होको का आइसक्रीम हम कैच करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी धुंधली धुंधली सी इमेज यहाँ पे देख लिया, देखो भाई यहाँ पे टेलीफोटो जूमिंग लेंस कोई भी नहीं है, लेकिन यस यहाँ पे हमें एक नॉर्मल सी यूजेबल इमेज देखने को मिल जाती है, ओके। एंड नेक्स्ट अगर बात करें पोर्ट्रेट की, तो पोर्ट्रेट के अंदर 1x एंड 2x के ऊपर हम यहाँ पे पोर्ट्रेट इमेज क्लिक कर सकते हैं, एंड मोर के ऑप्शन के अंदर चले जाते हैं, नाइट मोड है, हाई रेज, हाई रेजोल्यूशन, पैनो, स्लो मोशन। स्लो मोशन की अगर बात करें तो 480, बाप रे ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन 720 के अंदर 960 फ्रेम पर सेकेंड यहाँ पे हमको देखने को मिल जाते हैं, ओके। एंड 1080 के अंदर 480, तो ये भी मतलब बहुत ही ऊपर के लेवल की बात चल रही है यहाँ पे, ओके। एंड ड्यूअल व्यू है यहाँ पे, ओके मतलब मैं भी दिख रहा हूँ चकाचक, पीछे की दुनिया भी चकाचक दिख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, ओके क्योंकि हम लोग चकाचक दिख रहे हैं, ओके। एंड यस ये था कुछ यहाँ पे इसका कैमरा का इंटरफेस। सेल्फी की बात करें यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का इसके अंदर सेल्फी कैमरा हमको दिया गया है, एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसके अंदर भी हम थोड़ा सा अल्ट्रा वाइड यूज़ कर सकते हैं 0.8 के आसपास, एंड यहाँ पे मैं अभी फोटो क्लिक कर रहा हूँ, ओके वन मोर टाइम एक बार पोर्ट्रेट के अंदर भी यहाँ पे फोटो क्लिक कर रहा हूँ, कोई भी डेप्थ सेंसर नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे से इसने फोटो क्लिक किया 0.8, मतलब हल्का सा हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ओके। एंड यस एक बार वीडियो की अगर बात करें तो 1080 4K 30 FPS तक का हम यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी अगर हम स्विच टू ओके मतलब अल्ट्रा स्टडी का इस्तेमाल किया तो इसने अपने आप ही 1080x30 FPS के ऊपर इसने वीडियो को ट्रांसफर कर दिया। इवन 60 FPS कर रहा हूँ तो भी अल्ट्रा स्टडी का मोड जो है वो अपने आप ही ऑफ हो जाता है यहाँ पे, ओके ये बात थोड़ी मेरे को दिक्कत वाली लग रही है, ठीक है। एंड अदरवाइज दोस्तों काफ़ी अच्छा सा फ़ोन है, आप अच्छे से यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। 4 साइड की जो स्क्रीन है वो हर एक साइड से हल्के हल्के से हमें यहाँ पे कर्व देखने को मिल जाते हैं, एंड ए वाला जो मैजिक है वो काफ़ी अच्छा सा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों फोन की बात करें तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा सा स्मार्टफोन है, ये वाले प्राइस पॉइंट के ऊपर आप लोग काफ़ी अच्छे से इसको बाय कर सकते हो। लेकिन हाँ हम जो मैं जो स्मार्टफोन आप लोगों को बताऊँ वो एक मतलब कैमरा के लिए अगर आप लोगों को परचेस करना है, तो अगर बात करें दोस्तों इसके कैमरा की, तो देखिए वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छे से
रिकॉर्डिंग कर लेते हैं 4K 30 FPS तक ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट के अंदर भी हमें 4K का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। पोर्ट्रेट फोटो काफी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड। एंड ये वाले प्राइस पॉइंट के ऊपर काफी अच्छा है क्योंकि इसके अंदर AI का वाला जो फीचर देखने को मिला है वो सैमसंग से काफी बेटर है। ओके तो ये वाले प्राइस पॉइंट के ऊपर आप इसको काफी अच्छे से यूज कर सकते हो। एंड यस, अगर आपको इसको बाय करना है आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय जास्मिन मोबाइल शॉप वडोदरा। एंड आप ऑल गुजरात के अंदर कहीं पे भी जास्मिन मोबाइल शॉप है बहुत, वैसे तो काफी सारी ब्रांचेस है, आप जाके इसको डायरेक्टली बाय भी कर सकते हो। ओके तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक्साइटिंग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, जय हिंद जय भारत।